हाय दोस्तों, मैं हूं अर्पण परीक्षा और आपको स्वागत है मेरा ये नया चैनल पे, जहां पे मैं CSIR NET, IIT JAM, JNU CEB, ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करता हूं। हमारा डिस्कशन हो रहा था इम्यून सिस्टम के बारे में, जो कि CSIR यूनिट 4 के अंडर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं आज का टॉपिक के बारे में। आज हम सीखेंगे फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल होता क्या है। नाम सुन के ही लग रहा है कि ये डेंड्रिटिक सेल का कोई कज़न होगा। एक्चुअली अगर मॉर्फोलॉजी देखे तो डेंड्रिटिक सेल और फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल में बहुत ही सिमिलरिटीज़ है, लेकिन सिमिलरिटीज से ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ है। तो फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल कहाँ पे पाया जाता है? फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल पाया जाता है प्राइमरी या फिर सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल ऑफ लिम्फ नोड या फिर स्प्लीन में, राइट? लेकिन वो डेंड्रिटिक सेल से बहुत ही डिफरेंट होता है। कौन से एस्पेक्ट में वो डिफरेंट होता है वो हम देखेंगे इस वीडियो पे। ना फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल एंटीजन प्रेजेंट नहीं कर सकता है, ये फैगोसाइटोटिक नहीं है, तो इसके पास क्लास टू MHC मॉलिक्यूल भी नहीं है, जो कि कोई एक एंटीजन प्रेजेंटर सेल का हॉलमार्क फीचर होता है। ऊपर से फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल के साथ मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा सा सिमिलर तो है, लेकिन डेवलपमेंटली और मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी के तौर पे वो बहुत ही डिफरेंट है। उसका प्रिंसिपल काम है बी सेल को ऑप्शनाइज्ड एंटीजन प्रेजेंट करना, और कैसे वो ऑप्शनाइज्ड एंटीजन प्रेजेंट करता है वही सब देखेंगे हम ये वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो इस वीडियो में हम ओवरऑल क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, उसका फंक्शंस क्या है, उसका लोकलाइजेशन कहाँ पे है, और अल्टीमेटली उसका यूनिक मॉलिक्यूलर सिग्नेचर्स क्या है जो उसको डिफाइन करता है। तो चलिए पहले ही हम लोग देख लेते हैं डेंड्रिटिक सेल और फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल का मॉर्फोलॉजी का सिमिलरिटीज, राइट? तो दोनों में ही ऐसे डेंड्रिटिक प्रोजेक्शन टाइप है। देख के तो ऐसा लगता है कि ये डेंड्रिटिक सेल जैसे ही एंटीजन को कैप्चर करने कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल फैगोसाइटोटिक नहीं है, वो एंटीजन को एनगल्फ करके प्रोसेस नहीं कर सकता है और MHC क्लास 2 एक्सप्रेस भी नहीं करता है, तो ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ही नहीं। लेकिन ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल को भी आप डेंड्रिटिक सेल समझते हो जो कि फॉलिकल में बैठा है। ऐसा होता नहीं है। फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेल टाइप। तो देख लेते हैं डेंड्रिटिक सेल कहाँ से पैदा होता है। डेंड्रिटिक सेल पैदा होता है हिमाटोपोएटिक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से, राइट? हिमाटोपोएटिक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो कि बोन मैरो के अंदर है, उससे लिम्फोइड प्रोजेनिटर या फिर माइलॉइड प्रोजेनिटर पैदा होता है। अभी लिम्फोइड प्रोजेनिटर माइलॉइड प्रोजेनिटर दोनों ही डेंड्रिटिक सेल को जनरेट कर सकता है, लेकिन फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल ये लीनिएज से पैदा ही नहीं होता है। ऐसे माना गया है कि फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल शायद मेसेनकाइमल लीनिएज से डिराइव्ड हो सकता है। इसका असल में कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है। साइंटिस्ट एक्टिव रिसर्च कर रहा है इस टॉपिक पे। तो देख लेते कि फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल है कहाँ पे, मतलब उसका रेसिडेंस कहाँ पे होता है। तो फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल लिम्फोइड फॉलिकल्स में होता है। तो लिम्फोइड फॉलिकल्स कहाँ पे पाया जाता है? लिम्फ नोड या तो स्प्लीन में। तो मोस्टली लिम्फ नोड या फिर स्प्लीन में हम लोग देख सकते हैं फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल को। अदर देन दैट हम लोग म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में भी फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल को देख सकते हैं। तो देख लेते हैं लिम्फ नोड का जूम्ड इन व्यू। अभी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे बी सेल फॉलिकुलर एरिया है जहाँ पे बी सेल पाया जाता है, और यहाँ पे एक पैराकोर्टिक्स एरिया है जहाँ पे टी सेल पाया जाता है। तो अभी फॉलिकुलर जोन में या फिर फॉलिकल्स में ही फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल का स्थिति होता है। तो फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल असल में क्या करता है? ऐसे इलाबोरेटेड नेटवर्क पैदा करता है। कहाँ पे? इनसाइड द फॉलिकल। और उसका की एस्पेक्ट जो है वो किस में हेल्प करता है? बी सेल एक्टिवेशन के बाद बी सेल का जो क्लोनल एम्प्लीफिकेशन होता है, वही क्लोनल एम्प्लीफिकेशन में फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल बहुत ही हेल्प करता है। इसको छोड़ के भी इसका और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल क्या करता है? फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल में जो खास तरह का रिसेप्टर पाया जाता है वो है FC रिसेप्टर, जो कि एक्चुअली मैक्रोफेजेस में भी है। FC रिसेप्टर कहाँ पे बाइंड करता है? FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी में। अभी ऑप्शनाइज एंटीजन मतलब क्या होता है? मतलब कोई एक एंटीजन मान लो जो कि एंटीबॉडी से ऑप्शनाइज है, एंटीबॉडी बाउंड है। इसी सिचुएशन में ऑप्शनाइज एंटीजन ये FC रिसेप्टर में बाइंड हो सकता है। किसके द्वारा? ये एंटीबॉडी का FC रीजन के द्वारा।
और इसी स्थिति में वो किसको एंटीजन प्रेजेंट करेगा, बी सेल को। तो ये बी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करने वाला एक प्लेटफॉर्म जैसे काम करता है, और फॉलिकल में तो बी सेल भरा पड़ा रहता है, तो बी सेल को एक्टिव एक्टिवेशन होने में भी ये बहुत ही हेल्प करता है। तो देख लेते हैं इसका यूनिक फीचर्स क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिसेप्टर रहता है। पहले तो एफ सी रिसेप्टर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, उसके बाद इसके पास होता है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स जैसे CR1 रिसेप्टर, CR2 रिसेप्टर। अल्टीमेटली इसका यूनिक जो सिग्नेचर है उसका नाम है FDC-M1 रिसेप्टर। ये यूनिक सिग्नेचर होता है फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल का, जो कि अदर डेंड्रिटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ चुके हैं हम लोग कि डेंड्रिटिक सेल और फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल का असल में डिफरेंस क्या है। डेंड्रिटिक सेल Class 2 MHC के द्वारा अपना एंटीजन को प्रेजेंट कर देता है, राइट, टी सेल के पास। लेकिन फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल वो नहीं करता है, फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल ऑप्शनाइज्ड एंटीजन प्रेजेंट करता है, किसको, बी सेल को, टी सेल को नहीं। तो की फंक्शंस अगर हम लोग रिवाइज कर ले तो फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल का की फंक्शन होगा फॉलिकल को ऑर्गेनाइज करना, इसका माइक्रो आर्किटेक्चर को मेंटेन करना, यही होगा फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल का की फंक्शन। उसके बाद ये बी सेल को अट्रैक्ट करता है, कैसे अट्रैक्ट करता है, एक केमोकाइन वो सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं CXCL13, जो बी सेल के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर है वो ये केमोकाइन से अट्रैक्टेड होके और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है इसके साथ। एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल द्वारा प्रेजेंटेड ऑप्शनाइज्ड एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके एक्टिवेट हो सकता है। तो बी सेल एक्टिवेशन में या फिर जर्मिनल सेंटर बनाने में फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो का अंत पे कमेंट कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जब भी मैं ऑनलाइन हो जाऊँगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग।